एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे 13 कंटेस्टेंट को मिलने वाली हूँ. एक्साइटेड हूँ क्योंकि विनर डिक्लेयर होगा फाइनली. हमारी जो जर्नी थी फ्रॉम द डे वन, आज उसका फाइनल डे है. तो बस थोड़ी सी जल रही हूँ बिकॉज आई एम जेलस अ बिट. मैं नहीं हूँ वहाँ पे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. किसी को निकलना है, किसी को रहना है. तो आई थिंक सपोर्ट करने आई हूँ हूएवर आई थिंक विल विन. वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला यू नो दिव्यांका और अर्जुन के बीच में बहुत ही टफ हो रहा है. आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? टॉप थ्री बोलो, ऐसे मत बोलो. आई थिंक टॉप थ्री में अर्जुन, दिव्यांका एंड विशाल है. तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है. अगर आप तीनों की जर्नी देखो तो दिव्यांका इज़ लाइक समबडी आई नेवर थॉट शी विल डू गुड. मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा कर पाएगी क्योंकि मैं उनको हमेशा एकदम बहू बहू जैसा देखा है. एंड जिस तरह से वो शो पे रही है तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था कि वाओ शी इज़ सो गुड. अर्जुन ऑफकोर्स मैं डे वन से अर्जुन सपोर्टर रही हूँ, तो मैं आज भी उसे अर्जुन लाइक अगर आप मुझे पूछेंगे कौन जीतना चाहिए तो ऑलवेज ए बी. बट विशाल की भी जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. उन्होंने अपनी स्टंट एकदम मक्खन के जैसा किया है. तो तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है. बट अभी देखते हैं, लेट द बेस्ट पर्सन विन. और शो के अंदर रिश्ते की बात की जाए तो यू नो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने हैं. शो के बाद कितना बरकरार ये रिश्ता रहने वाला है? आई थिंक शो के बाद भी हम जितने फ्रेंड्स जो के में बने सब इन अ वे एवरी बॉडी इज़ बीन इन टच. हम गणपति पे मिले थे, हम कहीं ना कहीं वी क्लैश एंड वी प्लान टू मीट. सो आई थिंक या ये दोस्ती है एंड दोस्ती लॉन्ग टर्म के लिए हो तो अच्छी होती है. एंड आई थिंक वी ऑल हैड दैट बॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म. सो या अच्छा सर, ना दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT जीती, क्या कहना चाहेंगे? कितनी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थी वो कंटेस्टेंट थी. यू नो जब वो जा रही थी बिकॉज हमारा उनका बॉयफ्रेंड जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वरुण सूद. सो आई थिंक वरुण सूद हमें डे वन से दिव्या के लिए बोल रहा था यू ऑल हैव टू रूट फॉर हर. तो वी ऑल हैव बीन सपोर्टिंग दिव्या फ्रॉम डे वन. एंड आई थिंक मैंने ना उनके एक दो एपिसोड्स देखे हैं वोट पर जाके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था. जब भी मिलता था आई वॉच. एंड आई थिंक शी इज़ बीन सो गुड, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग. एंड एज अ वुमन हम लड़कियों को ना लोग बहुत एकदम सोचते हैं कि अरे, बट नो वी वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग. लाइक वो अकेले लड़ी है. एंड इसके लिए मैं दिव्यांका के लिए भी ये चीज़ कहना चाहूँगी दैट यू नो गर्ल पावर मैन, लाइक रियली सीरियसली लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है. थैंक यू.